कैसे हैं आप सब। जय माता दी। दोस्तों, दुर्गा पूजा की तैयारी झारखंड के बोकारो जिला में काफी धूमधाम से की जा रही है। कई सारे यूनिक और बड़े बड़े दुर्गा पूजा पंडाल बोकारो शहर में बनाए जा रहे हैं। बोकारो में 8 से 10 ऐसी जगहें हैं जहां खूबसूरत थीमों पर दुर्गा पूजा पंडाल को तैयार किया जाता है। बोकारो जिला को स्टील शहर के नाम से भी जाना जाता है, जिस कारण से बोकारो स्टील सिटी कहते हैं। यो तो यहाँ के सभी दुर्गा पूजा समितियों का पंडाल काफी यूनिक रहता है, लेकिन कुछ दुर्गा पूजा पंडाल ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि आप बिल्कुल रियल जगह पर खड़े हैं। अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको भारत देश के कई शहरों के अलग अलग थीम्स पर बनाए जा रहे दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में बताया था। आज उसी सीरीज में मैं आपको बोकारो के दो सबसे शानदार दुर्गा पूजा पंडाल और उनके थीम के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारियां दूंगा। तो आइए जानते हैं बोकारो के टॉप टू दुर्गा पूजा पंडाल्स के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर टू, सेक्टर 9 दुर्गा पूजा पंडाल बोकारो। दोस्तों, बोकारो के प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों की लिस्ट में सेक्टर 9 दुर्गा पूजा पंडाल भी आता है, जो कि हर वर्ष अपने यूनिक और प्रभावशाली थीम को प्रेजेंट करके लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। इस वर्ष भी समिति के द्वारा बेहद ही शानदार थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष सेक्टर 9 के दुर्गा पूजा पंडाल में आपको पेरिस के हृदय मंदिर की झलकियाँ देखने को मिलेंगी। पंडाल को बांस की मदद से बनाया जा रहा है और कंप्लीट होने पर ये बिल्कुल हूबहू पेरिस के हृदय मंदिर जैसा लगेगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से आए कारीगरों के टोली के द्वारा बेहद ही भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष यहाँ के दुर्गा पूजा पंडाल 130 फीट चौड़ा और 90 फीट ऊंचा रहेगा। दोस्तों, सेक्टर 9 का दुर्गा पूजा पंडाल गायत्री मंदिर के नज़दीक मौजूद एक ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेकर बनाया जाता है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी बड़े रूप से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा के दौरान बोकारो शहर के लाखों दर्शनार्थी इस दुर्गा पूजा पंडाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। पंडाल के आसपास लाइटिंग और साउंड की जबरदस्त व्यवस्था रहती है। इसके साथ ही साथ कई सारे LED लाइटिंग गेट्स और पिक्सल लाइट की व्यवस्था भी की जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ की समिति के द्वारा महाभोग के प्रसाद का वितरण भी भक्तजनों में किया जाता है। तो अगर आप भी बोकारो या इसके आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो सेक्टर 9 के दुर्गा पूजा पंडाल में घूमने के लिए जरूर पहुंचे दो। नंबर 1, सेक्टर 2 सी दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, बात अगर बोकारो की हो रही हो तो बोकारो के वन ऑफ द बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल में सेक्टर 2 सी का नाम जरूर आता है। सेक्टर 2 सी के द्वारा प्रतिवर्ष बहुत ही भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। ये समिति हर वर्ष कुछ नई थीम्स पर पूजा पंडाल प्रस्तुत करती है। उसी तर्ज पर इस वर्ष भी समिति के द्वारा बेहद खूबसूरत थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वर्ष समिति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन के प्रेम मंदिर का दर्शन श्रद्धालुओं को दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में होने वाला है। तो यानी आपको बोकारो में अगर प्रेम मंदिर के दर्शन करने हैं तो आपको सेक्टर 2C के दुर्गा पूजा पंडाल में पधारना होगा। पंडाल को बिल्कुल हूबहू आकार देने की कोशिश कारीगरों के द्वारा की गई है। पंडाल के साथ साथ माता रानी की प्रतिमा भी काफी भव्य रहेगी। पंडाल और इसके आसपास लाइटिंग की जबरदस्त व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ मेले और झूले के भी इंतजाम किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 2C के दुर्गा पूजा पंडाल में महाआरती का आयोजन भी होता है। दोस्तों, बच्चों के आकर्षण हेतु कई सारे LED और पिक्सल लाइटिंग गेट्स यहां पर बनाए जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। दोस्तों, अगर आप यहां के दुर्गा पूजा पंडाल को
घूमना चाहते हैं तो रात के समय आना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में आपको वृंदावन के प्रेम मंदिर रूपी पंडाल के लाइटिंग का नज़ारा भी देखने के लिए मिलेगा। बांस और प्लाई का यूज़ करके पंडाल को बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई है। दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पर महाभोग के प्रसाद का भी वितरण किया जाता है, जिसमें खिचड़ी, खीर हलवा इत्यादि शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको झारखंड के बोकारो जिला के टॉप 2 दुर्गा पूजा पंडाल थीम 2023 के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो के द्वारा अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हुई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इस वर्ष आप बोकारो के किस दुर्गा पूजा पंडाल में घूमने जाएंगे वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो आप किस शहर के दुर्गा पूजा पंडाल की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जय माता दी पार्ट 2 लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।